राजपुर एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी वीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को नगर निकाय निर्वाचन संबंधी घोषणा पत्र सहित अन्य व्यवस्थाओं की समुचित जानकारी दी गई। आजीविका मिशन कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, अभ्यर्थी तक से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करना आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर बैठक में राजपुर एसडीएम वीर सिंह चौहान, एसडीओपी रोहित सिंह अलावा नायब तहसीलदार विशाखा चौहान, टीआई यशवंत बडोले, सीएमओ संतोष चौहान सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी एवं राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद थे। नगरीय निकाय निर्वाचन राजपुर के लिए अधिसूचना जारी हो गई 28 तारीख को और आज नाम निर्देशन भी चालू हो गया। आज हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली, इसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी को और साथ ही संभावित उम्मीदवारों को निर्वाचन के नियमों के संबंध में बताया गया। आज बैठक में जो निर्वाचन की जो घोषणा हुई उसके संबंध में नाम निर्देशन आज से प्रारंभ है और 6 तक रहेगा और 7 तारीख को समीक्षा और 9 तारीख को नाम वापसी है और साथ ही सभी संभावित उम्मीदवारों को आचार संहिता के संबंध में निर्देश दिए गए कि इसका पालन कैसे करना और नाम निर्देशन कैसे भरना पूरी जानकारी दी गई। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट।